आंधी हो या तूफान या देश में हो महामारी, हर वक्त में जो होते हैं तैयार वो हमारे देश के जो पुलिस बल हैं, जो यहाँ के सैनिक हैं वो हैं। वैसे में जब देश में लॉकडाउन की स्थिति है, वैसे में जो यहाँ के जो पुलिस बल हैं वो कितना सुरक्षित हैं वो भी देखना एक जरूरी बात थी। जिसको लेकर कुछ समाजसेवी हैं जो सड़क पर उतरे और इनके लिए हाथों में सुरक्षा के लिए एक ग्लव्स की व्यवस्था की, और आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि जो यहाँ के पुलिस जवान हैं उनको यहाँ पे ग्लव्स दिया गया है। हाथ में ग्लव्स नहीं होता है जब कुछ लोग आते हैं तो कितना परेशानियां होती होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और ड्यूटी है करना पड़ता है, हटाना है, इधर करना है, उधर करना है, घुमाना है, उन लोगों को रोकना है। क्या लगता है, जान का डर लगता है? डर तो ही है सर, लेकिन फिर भी सेवा दे रहे हैं। सेवा तो दे रहा ही है, चल रहा है, सेवा ही धर्म है, सेवा किया जाता है, सरकार के साथ हम लोग है, सरकार परेशान। बिल्कुल, जो यहाँ के पुलिस जवान हैं उनका साफ कहना है कि जो कठिनाइयाँ आती हैं फिर भी घबराना नहीं है, उनको अपना सेवा देना है, लेकिन सोचना और विचारना प्रशासन के साथ साथ जो आम जनता है उसको भी है, क्योंकि धूप हो, बरसात हो, आंधी हो या तूफान, हर समय जब ये जवान हमारे लिए तैनात रहते हैं तो इनके लिए भी हमें कुछ करने की अगर ज़रूरत है तो करना चाहिए। पुलिस जवान हमेशा अपील करते हैं कि हमारे लिए बस आप एक काम करें कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। से ही हम और चौक चौराहों पर चलेंगे और जो पुलिस के जवान हैं उनको कितनी कठिनाइयां आ रही है, वो कैसे सेवा दे रहे हैं उसको, उसका भी हम जायजा लेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपने घर के आए, उठा के दिन भर वो रहते हैं, अपना जाते हैं, कोई सुविधा यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई खाने पीने का कुछ नहीं है। अधिकारी तो यहाँ हम लोग मजिस्ट्रेट साहब है, सभी आदमी है, सभी लोग देख रहे हैं। हम अब सवेरे 8 बजे से लेके सुबह शाम के 7 बजे तक से खाते हैं। खाना कहाँ खाते हैं, पानी कीन के रखे हैं, वही खा रहे हैं, पी रहे हैं पानी बस। जब किसी को रुकवा रहे हैं तो क्या कहा जा रहा है उन लोगों की तरफ से? वो लोग कोई काम जा रहे हैं, दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, वो काम बतला रहे हैं। क्या लगता है ऐसे में आप लोग इतनी सुरक्षा दे रहे हैं, ऐसे में लोग इतनी लापरवाही? उन लोग को समझा दिया, समझ ही नहीं रहा है। बहुत जरूरी है। और खाने पीने की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, केवल पानी की व्यवस्था है। तो कैसे फिर खाते पीते हैं, ड्यूटी कर रहे हैं? अपने घर से खा कर आते हैं, सुबह से फिर रात तक एक ही टाइम? नहीं, शाम तक 4 बजे फिर छूट जाते हैं। देखिए, जो ये ग्लव्स दिए आप बहुत अच्छा है, इससे हम लोगों का बहुत सेफ है, ताकि हम लोग बहुत तरह के दर्शकों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहाँ जाता है, काम हो सकता है, उन लोगों से हम लोग बात करके उनको जाने देते हैं, इसलिए आप ये ग्लव्स दिए, इसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। परेशानी बहुत है सर, हम लोग को तो खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है, और हम लोग सुबह 6 बजे जो नाश्ता करके आते हैं 12 बजे रात को खाना मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं है सर, हम लोग खाली बस सरकार की तरफ से वर्दी मिली हुई है। ना चाहिए, यहाँ पानी का खाली व्यवस्था है, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं मिल रहा है, 12 घंटा का हम लोग को ड्यूटी कर दिया गया है, दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। चीज खाने पीने का है, नाश्ता पानी भी कुछ नहीं मिल रहा, जैसे सुबह हम लोग 8 बजे 7 बजे यहाँ ड्यूटी है, तो फिर खाना कैसे खाते हैं आप? अब सुबह घर से खा के चलते हैं सर। मैं इस वक्त अभी अपने ज़िला में, जितने भी हमारे ज़िला प्रशासन के लोग हमारे ज़िले के चौक चौराहा, जैसे गोपालगंज मोड़, जेपी चौक, रामराज मोड़, दरवारा मोड़, फतेहपुर बाईपास मोड़, जहाँ जहाँ भी स्टेशन मोड़ पे खड़े हैं, इन सभी के बीच मैं आज जो है कि ग्लव्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, यानी उनको ग्लव्स दे रहा हूँ। ग्लव्स देने का सर उद्देश्य बस यही है कि लोगों से अपील है, करना है कि लोग जो है अपने घरों में इसलिए रहे कि ये सुरक्षाकर्मी हमारे लिए खड़े हैं, तो आप इन सुरक्षाकर्मियों के लिए अपने घरों में रहिए और लॉकडाउन का समर्थन कीजिए,
दूसरी चीज़ की सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा ये जाए तो मैं एक दो दिन से देख रहा हूँ कि इनके हाथों में ग्लव्स नहीं रह रहा है। इस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, तो एक सामाजिक तौर पे समाज का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा दायित्व तो बनता है कि इनकी सुरक्षा के लिए हम भी ऐसे वक्त पे खड़े हों। जिस तरह हमारे सुरक्षा के लिए पुलिस लोग खड़े हुए हैं, इनकी सुरक्षा के लिए हम लोग थोड़ा सा छोटा सा प्रयास किए कि इनके लिए ग्लव्स का मुहैया कराएं, और लगातार हम लोग इस चौराहे पे आए हैं, अगले चौराहे पे जाएंगे, और जो भी बिना ग्लव्स के होंगे उनको ग्लव्स दे के हम सुरक्षा के बारे में उन लोगों को समझाएंगे और बताएंगे कि आप ऐसे बचाव कर सकते हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं प्री टेन किड्स स्कूल में, क्लास प्ले ग्रुप से प्री सीनियर तक के बच्चों के लिए। जी हाँ, एक अनोखा और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट में आपके बच्चों को हमारे क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा खेल खेल में दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। सीसीटीवी युक्त सर्वेलेंस, डिजिटल क्लासेस, रैपिड अटेंडेंस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, बच्चों के आने जाने के लिए वैन फैसिलिटी और अपनी ऐसी कई विशेषताओं के साथ प्री टीन किड स्कूल है सबसे सुरक्षित। बस मुझे शिवान के लोगों से गुजारिश है कि हमें एक मौका दे ताकि प्री टीन किड स्कूल अपने आप को प्रूव कर सके कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग स्कूल इन शिवान। आज ही एडमिशन कराइए प्री टीन किड्स स्कूल में। हमारा पता है प्रतिभा मेमोरियल हॉस्पिटल नियर ललित बस स्टैंड, खुरमाबाद, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे मोबाइल नंबर पर 6299582498। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर वन ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सेलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 & 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।